नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा वाले 18 से 44 साल की उम्र के लोग अब सीधे टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराकर टीके लगवा सकते हैं। इंटरनेट, मोबाइल ऐप से बिल्कुल अनजान लोग इस फैसले से लाभ ले सकेंगे। अभी खासकर गांव में टीके लगाने में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी, वह भी सिर्फ टीके से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वजह से। केंद्र सरकार ने आज इसके लिए अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही ये भी कहा है, यदि पहले से रजिस्टर्ड लाभार्थियों को टीका लगाने के बाद टीके बच जाएं, तो 18 से 44 आयु वर्ग के कुछ लोगों के लिए केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण की सुविधा होगी। ये सुविधाएं सरकार टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध कराएंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो स्तब्ध हैं, क्योंकि टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों से कहा है कि वो राज्यपाल के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराएं, जिससे उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सके और उनको उसी जेल में भेजा जा सके जिसमें नारद केस में 4 टीएमसी के नेताओं को भेजा गया है। राज्यपाल ने उनके बयान के वीडियो को ट्वीट कर लिखा है, वो इससे स्तब्ध हैं, लेकिन इस मामले को पश्चिम बंगाल के लोगों और मीडिया के विवेक पर छोड़ रहे हैं। बता दें, टीएमसी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि 2024 के बाद देश भर में बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। यूपी के मुरादाबाद में मोहम्मद शाकिर नाम के शख्स को गौरक्षकों ने गाय का गोश्त बेचने वाला कहकर जमकर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस ने पीटने वालों पर पीड़ित के भाई की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पीड़ित शाकिर पर काउंटर केस भी दर्ज कर लिया गया है। उस पर गैर कानूनी तौर पर गोश्त बेचने, संक्रमण फैलाने की आशंका वाला कार्य करने और लॉकडाउन के उल्लंघन जैसी धाराओं में केस कर लिया गया। पत्रकार कमाल खान ने ट्वीट कर बताया है कि शाकिर को गोरक्षकों ने गाय का गोश्त बेचने वाला कहकर सरेआम पीटा। पुलिस की जांच में वो भैंस का गोश्त निकला तो पुलिस ने उस पे गैर कानूनी ढंग से भैंस का गोश्त बेचने के इल्जाम में मुकदमा कर दिया। पीटने वालों का नेतृत्व करने वाला मनोज ठाकुर अभी फरार है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1550 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 207 लोगों की जान गई है। वहीं इस दौरान ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4375 है। दिल्ली में अभी कुल सक्रिय मामले 24578 हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने राज्यों को वैक्सीन बेचने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है वो सीधे केंद्र से ही बात करेंगे, जिसके बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो वैक्सीन खरीद कर राज्यों को बांटें। बता दें, इससे पहले पंजाब ने भी कहा था कि मॉडर्ना ने राज्य से बात करने से इनकार कर दिया है। वैक्सीन की कमी होने के बाद कई राज्यों द्वारा इसको लेकर ग्लोबल टेंडर निकाला गया। हालांकि बिहार सरकार ने इसके उलट फैसला किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संकेत दिए कि बिहार सरकार ग्लोबल टेंडर नहीं निकालने जा रही है। एनडीटीवी से बात करने के दौरान जब टेंडर ना निकालने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, देखो, दूसरे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले हैं और क्या नतीजा निकला है। भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत में जारी महामारी से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से 10 लीटर के 2000 कंसंट्रेटर देने की घोषणा की है। आने वाले महीनों तक बीसीसीआई पूरे भारत में कंसंट्रेटर आवंटित करेगा। बता दें, देश में आई दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी लोगों की जान चली गई। सरकार द्वारा इसको लेकर तैयारी नहीं किए जाने का खामियाजा देश को अपने लोगों को खोकर देना पड़ा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब इसको 1 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर ट्वीट किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर कोरोना प्रबंधन को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में सोरेन ने कहा कि हमको 4 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन 40 लाख ही मिली है। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पर केंद्र ने खुद के अधिकारियों को नियुक्त किया है, वो ही ये तय करते हैं कि चीजें कहां जानी चाहिए। सोरेन ने कहा, मुझे बताइए, ये वायरस देश की समस्या है या किसी एक राज्य की? क्यों केंद्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है? मोदी सरकार द्वारा सब कुछ अपने हाथ में रखने पर सोरेन ने कहा कि उन्होंने राज्यों को न अपने आप पर छोड़ा है और न ही रखा है। जब हम दवाइयां आयात करना चाहते हैं तब वो आवंटित नहीं करते हैं, जब वे ऐसा महसूस करते हैं तब ही वो इसे आवंटित करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पीएम केयर्स में काफी लोगों ने डोनेट किया, लेकिन क्या खर्च में कोई पारदर्शिता है? लेकिन टीकों के लिए उन्होंने इसे राज्यों पर छोड़ दिया है।
सोरेन ने कहा कि हमारे जैसे राज्य दिवालिया हो जाएंगे, हमारी तुलना महाराष्ट्र तमिलनाडु से नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही ये सवाल पूछने पर कि क्या महामारी के खत्म होने के बाद पूरा विपक्ष मोदी से कोरोना के कुप्रबंधन पर जवाब मांगेगा, इस पर सोरेन ने कहा कि केवल विपक्ष ही क्यों, सत्ता में बैठे लोगों को भी सरकार से सवाल करना चाहिए, उनके लोग भी मर रहे हैं। ओलंपिक में दो बार पदक ला चुके पहलवान सुशील कुमार को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पिछले कई दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर थे। पुलिस को दिल्ली के एक स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान की मौत के मामले में उनकी तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मौजूदा कानून के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के खिलाफ केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अभी अन्य जरूरी मामले हैं जिन पर विचार करने की अधिक जरूरत है और बिना विवाह प्रमाण पत्र के अभी कोई मर नहीं रहा है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई को अब 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।